खबर रीवा जिले से है, जहां गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव में उस समय हृदय विदारक घटना घटित हो गई, जब लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए ट्रैक्टर चालक ने स्कूल जा रहे दो छात्रों को टक्कर मार दी। एक साथ की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाल बाल बच गया। घटना के बाद जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन घंटों पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस पहुंची और समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर गांव का ही है, जिसके चालक और मालिक दोनों नशाखोर हैं, जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। आए दिन शराब के नशे में ट्रैक्टर चलाते थे और पहले भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सुनाते हैं लोगों के साथ एडिशनल एसपी अनिल सोनकर को पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना भतीजे हमारे ट्यूशन आ रहे थे, तो ये ट्रैक्टर वो में अरज गए, फंस गए, तो एक उस साइड बड़ा वाला गया अम्बुज, अनुज अंदर चला गया। अच्छा, ये ट्रैक्टर किसका है? ये लालू प्रसाद पटेल। ड्राइवर भी वही थे? वही ड्राइवर थे। तो ड्राइवर कहाँ गए फिर? ड्राइवर भाग गए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे की प्रक्रिया भी थोड़ा इंतजार है। किसका इंतजार है? टीआई साहब का। हाँ, अभी तक टीआई साहब नहीं आए। अभी नहीं आए। ये घटना कितने बजे की है? 6 बजे हो गई। ये एक्सीडेंट का केस है, और क्या बोलते हैं, वो मेरे चाचा का लड़का है राजीव यादव, उसके पापा का नाम है, और ये कोचिंग जा रहा था। सुबह 5:30-6 के लगभग घटना हुई है। ये कोई लालू पटेल नामक व्यक्ति है, यहीं टीकर पटपराहा टोला का है, जिसका ये ट्रैक्टर है, और उसका ड्राइवर जो है उसका नाम है बिहारी पटेल है। तो ये जो लालू पटेल है, जिसका ये ट्रैक्टर है, वो भी नंबर वन का शराबी है, माहौली है, गांजा हो जाए, ये लोग जो है तो 24 घंटे जो है तो नशे में धुत रहते हैं, और ये जो है तो नशा करते हुए और नशा करके जो है तो गाड़ी चलाते हैं। बताइए, आए दिन इसके पहले भी जो है तो कई FIR भी इसके नाम हो चुके हैं, लालू पटेल के नाम, और जो है तो इन ये जो है तो एक प्रकार से कहा जाए तो असामाजिक तत्व के लोग हैं। ठीक है, आए दिन ये घटना को अंजाम देते रहते हैं, और जो है तो कार्रवाई कुछ नहीं होती। मैं आपसे बता दूँ कि ये जो घटना है, तो ये सुबह 5:30-6 के लगभग हुई है ये घटना। ठीक है, और उसके बाद जो है तो 100 नंबर का 1.5-2 घंटे बाद जो है तो एक सिपाही आता है, जिसका नाम है राहुल। उससे अगर कहा जाता है कि आपकी टीम क्या कर रही है, अभी तक बताइए कि आई नहीं है टीम, कोई कार्यवाही बढ़ नहीं रही है, तो उसका क्या कहना है कि आप फालतू बात कर रहे हो। बताइए, किसी के घर में ये घटना हुई है और फालतू बात उसको लग रही है। बताइए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद ये पुलिस वगैरह आते हैं, बताइए, अभी 2 से 2.5 घंटे। और मुझे बताइए, मैं उसका भाई हूँ, चाचा का बड़े पापा का लड़का हूँ। बताइए मुझे, मैं रीवा में रहता हूँ, रीवा से टीकर आने में मुझे 10 मिनट लग गए। बताइए, ये गोविंदगढ़ से और 2.5 घंटे इनको लगते हैं। बताइए, इस तरह से बताइए सुरक्षा दे रहे हैं ये। बताइए आगे के प्रशासन से क्या मांगे हैं? अभी देखिए, हमारा कहना ये है कि जब तक वो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक बॉडी उठने वाली नहीं है, और जब तक SP साहब नहीं आ जाते यहाँ, तब तक बॉडी नहीं उठती। मतलब SP साहब के आने के बाद? हाँ, SP साहब आ जाते हैं जब ही बॉडी उठने वाली है, और नहीं तो नहीं उठेगी बॉडी। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? पुलिस प्रशासन द्वारा कहा यह जाता है कि बॉडी अभी उठा लेते हैं और पंचनामा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है तो कार्यवाही जारी। तो मेरा भी कहना ये है कि जब तक कार्यवाही मेरे सामने नहीं हो जाती, जब तक बॉडी नहीं उठने वाली। चूँकि मुझे पता है कि घटना हो जाता है, और घटना के उपरांत जब माहौल ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस भी ले दे के काम कर जाती है और चुपचाप से बैठ जाती है। तो मैं उस चीज़ को जानता हूँ, इसलिए बॉडी जब तक नहीं उठती है, जब तक मेरे सामने कार्रवाई नहीं हो जाती, और जब तक SP साहब नहीं आ जाते। उसमें आक्रोशित हो गए थे और चक्का जाम का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के समझाइश पर लाश को वहां से PM के लिए भेज दिया गया था। अभी जो है स्थिति सामान्य है। आक्रोशित परिजन ने क्या मांग थी, किसने चक्का जाम करने का प्रयास करा? उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन ये था कि एक्सीडेंट से वो बच्चे को देख करके उनके मन में जो है आक्रोश था, उसी आक्रोश की वजह से किया है। उनको समझाइश देने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। परिजन के साथ जो है लाश को, शव को जो है PM के लिए भेज दिया गया।